मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, असलाह बनाने वाले बदमाश से हुई मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। गाजियाबाद के भोजपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान दो बदमाश हुए घायल, मौके से एक हुआ फरार। लखनऊ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश कमलेश तिवारी के पैर में लगी गोली, एक तमंचा और कारतूस बरामद। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जवाबी कार्रवाई में दो लुटेरों के पैर में गोली लगी है, महिला से दिन दहाड़े लूटी थी चेन, लुटेरों से दो तमंचे, बाइक और सोने की चेन बरामद। कर्नाटक के बेंगलुरु में ताश के पत्तों की तरह ढही इमारत, हादसे में एक शख्स की मौत, लोगों में मची अफरा तफरी, हादसे की खौफनाक तस्वीर आई सामने। भारी बारिश में अचानक गिरी बिल्डिंग, अब तक 14 लोगों को बचाया गया है, 5 लोग अभी भी लापता है, रेस्क्यू जारी। हादसे के बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ और पुलिस की टीम, राहत बचाव का कार्य जारी, लोगों की भीड़ मौजूद, चारों तरफ नजर आ रहा मलबा। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में दो गुटों में टकराव, दिवाली पूर्व कार्यक्रम के विरोध में लगे फिलिस्तीन जिंदाबाद और अल्लाह अकबर के नारे, हंगामे के बाद भारी पुलिस बल तैनात। ग्रेटर नोएडा में कार में लगी भीषण आग, कार सवार की जलकर हुई मौत, हत्या कर कार में आग लगाने की आशंका, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। कार वॉशिंग सेंटर में टला बड़ा हादसा, सफाई के दौरान इंसान पर चढ़ी कार, हादसे में बाल बाल बचा शख्स, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हैदराबाद के चंद्रनगर में हादसा, कुत्ते से बचने के दौरान होटल के बालकनी से गिरकर एक युवक की मौत, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। ओडिशा में तूफान दाना को लेकर अलर्ट पर सरकार, बठिंडा से भुवनेश्वर पहुंची एनडीआरएफ की टीम, लोगों को सुरक्षित जगहों पर किया जा रहा है शिफ्ट। बंगाल की खाड़ी में उठेगा दाना तूफान, ओडिशा में स्कूल कॉलेज बंद, 178 ट्रेनों को रद्द किया गया। ओडिशा में भीषण चक्रवात तूफान आने की आशंका, चक्रवाती तूफान दाना को लेकर अलर्ट जारी, 110 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, पर्यटकों को पूरी छोड़ने की अपील, एनडीआरएफ की टीम अलर्ट पर है। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर बंगाल में भी अलर्ट, स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित, सीएम ममता बनर्जी बोली चक्रवात के कारण होने वाली किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मिस्र के राष्ट्रपति से की मुलाकात, दोनों देशों के नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से की मुलाकात, इजराइल युद्ध पर की चर्चा, पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष पर चिंता जाहिर की। पीएम मोदी की ईरानी राष्ट्रपति के साथ हुई बातचीत पर विदेश मंत्रालय का बयान, शांति के पक्ष में ईरान के राष्ट्रपति ने जोर दिया, पीएम मोदी बोले भारत हमेशा से शांति चाहता आ रहा है। आज कजान में पीएम मोदी से मिलेंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, विदेश सचिव विक्रम मिश्र ने जानकारी दी, दो नेताओं के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। कजान में मोदी पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात के बाद बोले पीएम मोदी, शांतिपूर्ण तरीकों से हो समस्याओं का समाधान, भारत शांति और स्थिरता का समर्थक है। चीन और भारतीय के बीच सीमाओं के मसले पर हुए समझौते को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान, कूटनीतिक और मिलिट्री लेवल पर बातचीत हुई, जो समझौता हुआ है उसे ग्राउंड पर क्रियान्वित करना है। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी से बोले राष्ट्रपति पुतिन, हमारे रिश्ते ऐसे हैं कि हमें ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं, पुतिन की इस टिप्पणी पर पीएम मोदी खिलखिला उठे, दरअसल बैठक में पुतिन रूसी भाषा में बात कर रहे थे। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने जारी की 45 उम्मीदवारों की लिस्ट, कोपरी पांच पखाड़ी से लड़ेंगे सीएम शिंदे, रत्नागिरी से उदय सामंत लड़ेंगे चुनाव, महाड़ सीट से भरत गोगावले, सावंतवाड़ी से दीपक केसरकर को टिकट मिला। राज ठाकरे ने जारी की 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे लड़ेंगे चुनाव, माहिम सीट से चुनाव लड़ेंगे अमित ठाकरे, आदित्य ठाकरे के सामने भी एमएनएस ने उतारा कैंडिडेट, वर्ली सीट से संदीप देशपांडे लड़ेंगे एमएनएस चुनाव। झारखंड चुनाव के लिए झामुमो ने 35 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, बरहेट से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव।
पंजाब उपचुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, रवनीत सिंह बिट्टू, पार्टी नेता सुनील जाखड़, तरुण चुग, अनुराग ठाकुर के नाम शामिल हैं। महाविकास अघाड़ी के बीच सीटों पर करीब करीब फैसला तय। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस 105, शिवसेना 95 और एनसीपी 84 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। आज हो सकता है ऐलान। जेपीसी की अगली बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे कल्याण बनर्जी। टीएमसी सांसद पर अभद्रता का आरोप, टेबल पर तोड़ी थी कांच की बोतल, जगदम्बिका पाल पर फेंकी थी टूटी बोतल। जेपीसी बैठक में हंगामे पर बोले जगदम्बिका पाल, कहा बोतल तोड़कर मुझे मारने की हुई कोशिश, अपनी गलती छिपाने की कोशिश कर रहे कल्याण बनर्जी, बैठक में हिंसा की कोई जगह नहीं। जेपीसी की बैठक में हंगामे के बाद एक्शन पर बोले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, कहा वो देश के सेक्युलर कैरेक्टर को नॉन सेक्युलर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विरोध में मेरी लड़ाई जारी रहेगी। मेरा लड़ाई जारी रहेगा, जो देश को सेक्युलर कैरेक्टर को नॉन सेक्युलर करने की कोशिश कर रहे हैं उनका विरोध में मेरा लड़ाई जारी रहेगा। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी योगी की जबरदस्त डिमांड, जगह जगह लगे बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर। बीएमसी ने मुंबई से टाए बैनर पोस्टर। गांधीनगर में अमित शाह ने 14वें अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड सम्मेलन का किया उद्घाटन। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प, सपने को साकार करने के लिए सेवा और सुरक्षा दो महत्वपूर्ण बिंदु। मथुरा में संघ प्रमुख मोहन भागवत की सीएम योगी के साथ मुलाकात, करीब 2.5 घंटे चली बैठक। मीटिंग से पहले सीएम योगी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की पूजा अर्चना भी की। दिल्ली की हवा में घुला जहर, 350 के करीब पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, सुबह सुबह कई जगहों पर नजर आई धुंध। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर रोक लगाने की असफल पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाई थी। जम्मू कश्मीर में लश्कर का नया आतंकी संगठन टीएलएम सक्रिय है, कर रहा है आतंकियों की भर्ती। पाकिस्तानी हैंडलर बाबा हमास कर रहा संचालित काउंटर इंटेलिजेंस, कश्मीर विंग ने किया खुलासा। गाजियाबाद में त्योहारों को लेकर के चलाया गया चेकिंग अभियान, बढ़ाई गई सख्ती। डीसीपी निमिष पाटिल ने संभाली कमान, संवेदनशील जगहों पर पुलिस टीम के साथ जाकर निरीक्षण किया। यूपी के बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग को मिली कामयाबी, चेकिंग के दौरान हापुड़ से आई 5 क्विंटल नकली सॉस और व्हाइट विनेगर को किया नष्ट, बुलंदशहर में की जा रही थी सप्लाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस का पत्थरबाजों पर एक्शन, 19 उपद्रवी गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के जरिए हुई पहचान, सोशल मीडिया के जरिए जुटे थे उपद्रवी। पिछले 24 घंटे में 50 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, सरकार सतर्क, सुरक्षा बल अलर्ट। पिछले एक हफ्ते में 120 से ज्यादा विमानों को मिल चुकी है धमकी। यूपी के गाजियाबाद में अवैध पटाखों पर पुलिस ने एक्शन लिया, गाजियाबाद में पुलिस ने छापेमारी के दौरान 50 लाख के पटाखे जब्त किए। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के खिलाफ एनबीडब्ल्यू गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया वारंट, आचार संहिता उल्लंघन और सरकारी काम में बाधा डालने का मामला। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट आज मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर सुनाएगा अपना बड़ा फैसला। यूपी के शाहजहांपुर में रफ्तार का कहर, 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर, एक ट्रक हाईवे से नीचे गिरा, हादसे में चालक परिचालक की हालत गंभीर है, अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के बदायूं में बिजली के पोल से टकराकर ऑटो सवार की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बदायूं में 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत हो गई, हादसे में 1 की मौत, 2 घायल। यूपी के जौनपुर में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा, हादसे में महिला की दर्दनाक मौत, धमाका इतना तेज था कि 300 मीटर की दूरी पर एक महिला भी गंभीर रूप से हो गई घायल। यूपी के नोएडा में रफ्तार का कहर, बेकाबू पिकअप वैन ने महिला को मारी जोरदार टक्कर, मौके पर मौत, आरोपी फरार, सेक्टर 39 में हुई घटना। यूपी के मिर्जापुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार पति की मौके पर ही मौत, पत्नी गंभीर रूप से हुई घायल। मिर्जापुर के विंध्याचल में एक धर्मशाला में युवक का मिला शव, युवक के साथ आई महिला ने जहर खाकर दी जान।
तमिलनाडु के मदुराई में चेन स्नैचिंग की खौफनाक वारदात। बाइक सवार बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की कोशिश में महिला को कई मीटर तक घसीटा। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। गुजरात के गांधीनगर में नकली जज पकड़ा गया। विवादित मामलों की अपनी अदालत में करता था सुनवाई। फर्जी जज बनकर 100 करोड़ की जमीन हड़पी। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस ने 4 हाई प्रोफाइल चोर को पकड़ा। कार समेत 35 लाख का सामान बरामद। हवाई जहाज से मुंबई जाते थे चोरी करने और कार से बंद घरों की पहले रेकी करते थे, उसके बाद करते थे चोरी। भोपाल में काले हिरण का मिला शव। शरीर पर मिले चोट के निशान। हिरण के शव को वन विभाग ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और दिल्ली के विवेक विहार में लूट के वारदात की हैरान कर देने वाली तस्वीर आई सामने। लुटेरों ने एक स्कूटी सवार से रास्ता पूछने के बहाने चाकू दिखा करके छीन ली चेन। यूपी के जौनपुर में चोरों का आतंक। गल्ला गोदाम में चोरी करते चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। यूपी के कुशीनगर में मामूली विवाद में 2 समुदायों में मारपीट। कई लोग गंभीर रूप से हुए घायल। मौके पर कई थानों की फोर्स तैनात कर दी गई। यूपी के बदायूं में रंजिश के चलते 2 गुटों में जमकर फायरिंग हुई है। गोलीबारी में 1 पक्ष के 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ड्रोन शो का आयोजन। कृष्णा नदी के तट पर 5,000 ड्रोन से हुआ ड्रोन शो। दिखाद्भुत नजारा। क्यूबा में तूफान ने मचाई तबाही। कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश। तूफान की वजह से 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। बांग्लादेश में राष्ट्रपति को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प। कई छात्र और पुलिस वाले हुए घायल। इजरायली सेना ने बेरूत में हिजबुल्ला के युद्ध सामग्री गोदामों पर किया हवाई हमला। लड़ाकू जेट विमानों ने बरसाए बम। और बेरूत में इसराइल ने फिर किया एयर स्ट्राइक। हवाई हमलों में 57 लोगों के घायल होने की खबर। IDF ने कहा हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला किया गया। इजरायली लड़ाकू विमानों ने लेबनान में हिजबुल्ला के करीब 1 दर्जन कमांड रूम को बनाया निशाना। IDF का दावा, कुछ कमांड रूम हिजबुल्ला के कुलीन राडवान फोर्स के थे। और लेबनान में इजरायली सैनिकों की कार्रवाई जारी। IDF ने दहाया इलाके में हमला किया। हिजबुल्ला के आतंकियों ने तलाश जारी। IDF ने हाशिम सैफुद्दीन की मौत की पुष्टि की। कहा इस हफ्ते एयर स्ट्राइक में सैफुद्दीन की भी हुई मौत। इराकी सुरक्षा बलों ने ISIS के शीर्ष कमांडर का को किया रेड। साथी समूह के 8 अन्य वरिष्ठ नेता भी मारे गए। PM अल सुदानी ने पुष्टि की है। इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट से मिले एंटनी ब्लिंकन। इजराइल हमास युद्ध को लेकर की चर्चा। गाजा में युद्ध विराम के उपायों पर हुई चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप पर साधा निशाना। न्यू हैम्पशायर में भाषण के दौरान ट्रंप को लोकतंत्र के लिए बताया वास्तविक खतरा। पन्नू की हत्या की कथित नाकाम साजिश पर भारत की जांच समिति के साथ बैठक पर बुला अमेरिका। कहा जांच जारी रखेगा भारत। दोनों देशों के बीच हुई बातचीत को ध्यान में रखकर होगी जांच। अमेरिका में चुनाव से पहले रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हुई तुलसी गबार्ड। रैली के दौरान ट्रंप की जमकर तारीफ की। कहा रिपब्लिकन पार्टी को बदलने के लिए लाए गए थे नेतृत्व प्रेरित। गाजा संघर्ष को लेकर भारतीय विदेश मंत्री ने नेतन्याहू से की बात। युद्ध खत्म करने समेत कई मुद्दों को लेकर विस्तार से की चर्चा। एंटनी ब्लिंकन ने ट्वीट कर दी जानकारी। किम जोंग उन ने उत्तर कोरियाई सामरिक मिसाइल अड्डों का किया दौरा। राष्ट्र सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण लॉन्च संबंधी सुविधाओं की क्षमताओं और कार्यों पर ध्यान किया केंद्रित। तस्वीरें सामने आई।